रिंग झरा के फिर पतिया के दादी हम नहीं जेबो तो नहीं जेबे तो हम ही जाय छियो तो जे की करबे के अल्लू अल के वे की के साठी साठ संगे दा ए हमरा भूख नै रहसो फटी जाय छे ए चुप दादी दू बाल से लोड गिर गेलो हमरा गे दादी अब जेबे की के जाय छियो गे दादी वत कहियो कते दोस्त रो होठ ने देखने छियो आ देखे चाहे छियो गे आज मा तो हमरो होठ हां गे एक हमरो होठ सुखी पाकी गेलो सुखी पाकी गेलो हां लेकिन आ देखे दे गे एक नहीं देखियो हमरा शर्म लागे छे नहीं एक देखे दे देख मा की गे हां आ मा दिखाइए दियो देखा ना हमरो होठ गे हां गे अच्छा हले देखी ले हेलो हेलो ए मास्टर हेलो जी स्वामी जी कशिमान है हाँ महारानी लेकिन सबसे पहले स्वामी जी आप डोली रोकी मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ डोली को जी स्वामी जी क्यों नहीं महारानी सुनो कहर भाइयों डोली को इसी जगह मिला दो महारानी जी स्वामी मैंने तुम्हारी कहानी के अनुकूल डोली को रुकवा दिया हो अब बताओ क्या कहने के लिए चाहती हूँ स्वामी जी सबसे पहले आप ये बताइए अपने महल में मेरी सिवा कौन सब सदस्य परिवार है महारानी इस महल में नौरी है माँ मंत्री है और मैं हूँ और महारानी तुमसे पहले एक बड़ी महारानी है इस महल में अच्छा जो कि मेरी सौतल लगेगी अरे महारानी हाँ स्वामी जिसे तुम सौतल कह रही हो महारानी वो तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखेगी क्यों नहीं स्वामी जी ये तो अति सुंदर की बात है जो कि हवेली में मैं दो बहन हो गई अच्छी तरह से आपका देखभाल करेंगे स्वामी जी हाँ महारानी लेकिन स्वामी जी लेकिन नहीं महारानी अरे महारानी स्वामी जी मुझे अचानक बहुत जोर से पानी प्यास लगी है आप ऐसे पानी ढूंढ कर लाइए नहीं तो मैं इसी सीमान पे मैं मर जाऊंगी नहीं महारानी परंतु यहाँ से चलो अब कुछ ही दूर अपना महल है महल में चलकर मैं पानी पिलाता हूँ महाराजी नहीं स्वामी जी वहाँ जाने के बाद सभी सदस्य परिवार बीत व्यवहार में लग जाएंगे फिर मुझे पानी पीने का मौका नहीं मिलेगी स्वामी जी ठीक है महाराजी मैं अवश्य इसी वक्त तुम्हारे लिए पानी ढूंढ कर लेकर आता हूँ तब तक तुम इसी जगह डोले में बैठ कर इंतजार करो ठीक है स्वामी जी आयो भाई आजो दीना पहले जानती कि उस हवेली में मेरी सौतन है मैं तो उस बुड्ढे के साथ शादी तक भी नहीं करती खैर कोई बात नहीं है स्वामी जी के पानी आने के लिए मैं वैसे पानी नहीं पीऊंगी पहले मैं सत करवा करके और मैं कहूंगी अपनी हवेली में जो बड़ी महारानी है उसको आप सदा के लिए बनवा दीजिए तब मैं घर जाऊंगे तो नहीं ए भारी भारी बुदिया हो बाबू जी या जुदी या जो बैठा है बैठो ये हो
महारानी जी स्वामी जी ये लो महारानी आज मैं तुम्हारे लिए पानी ढूंढ कर लेकर आओ और मेरे हाथों से तुम पानी पी लो महाराज। नहीं स्वामी जी मैं वैसे पानी नहीं पीऊंगी। क्या आप मेरे साथ सत कीजिए उसके बाद मैं पानी पीऊंगी फिर मैं डोली में बैठ जाऊंगी स्वामी जी। सत जी स्वामी जी ठीक है महारानी यदि तुम कहती हो तो मैं अवश्य सत कर लूंगा महारानी। जल्दी कीजिए ना स्वामी जी परंतु लेट क्यों कर रहे हैं आप महारानी। ये एक सत दो सत बनवा विष्णु सत यदि सत से वसत होऊंगा अंत नरक में वास होगा रघु कुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए महारानी। ये लो और मेरे हाथों से तुम पानी पिलाओ। स्वामी जी आप बात करके सुन लीजिए अपनी हवेली में जो बड़ी महारानी है उसको आप सदा के लिए बनवा दीजिए तब मैं घर जाने तो नहीं जाऊंगी। महाराज जी स्वामी जी ये आज तुम क्या कर रही हो बड़ी महारानी को 14 वर्ष के वनवास। हाँ स्वामी जी। अरे महाराज अभी तक तो तुम उस महल में पाव भी नहीं रखी और तुम उसी महल से बाहर जाने के लिए कह रही हो परंतु ये काम मुझसे नहीं हो सकता। स्वामी जी आप अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आप मेरे साथ सच किए हैं आपका सब जाएगा धर्म जाएगा फिर मेरा क्या जाएगा स्वामी जी। भगवान महारानी अवश्य इस वक्त जा रहा हूँ और बड़ी महारानी को घर से बाहर कर दो। स्वामी जी रुक जाइए आप तो जा रहे मेरे लिए आप क्या सोचे तुम्हारे लिए। जी स्वामी जी तुम्हारे लिए मैं क्या सोचूंगा महाराज। स्वामी जी जरा आप कान खोल करके सुन लीजिए मैं इस मान पर बैठती हूँ और उस रमजादी को घर से निकाल करके मेरे लिए कोई कार या मारुति भेज दीजिएगा। अगर मैं इस मान पर शायद पांव पैदल आपके महल तक चली गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। महारानी ठीक है मैं बड़ी महारानी को महल से बाहर करते ही मैं तुम्हारे लिए कोई कार्य मारुति ले कराऊंगा। ठीक है स्वामी जी आप जा सकते हैं। ठीक है महारानी या जुदी ना चाहिए स्वामी जी मैं भी जा रही हूँ स्वामी जी के शिकार के लिए। आगे के का, आगे आगे।